स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं, उनको जागरूक करते हैं, तो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो योगा करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलें, चाहे वो आप डांस करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी आप उतना ही महत्व दें। अगर आपका शरीर स्वस्थ हो तो ही आप आगे अपना काम कर सकते हैं, आप अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, और जो सरकार ने जो दायित्व दिए हैं उनको भी आप भली भांति पूर्ण कर सकते हैं। तो आज आपने बहुत सारी क्लास सीखी हैं, तो अपने आप को खुश रखने का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है, खुशी फैलाने का, पॉजिटिविटी रखने का। मेरे ख्याल से आजकल आज के जीवन में जो है ना, वो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, वो खुशी रहते हुए, पैशन रहते हुए कार्य करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और विशेष तौर पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से डी ओ साहब और प्रतिनिधि हैं उनके साथ आए हुए हैं, तो उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से वो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, आई थिंक हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी उन्होंने ट्रेन किया है कि आप जो छोटे छोटे बच्चों को प्ले स्कूल्स में आप जो ट्रेन करेंगे वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो। और मैंने देखा कि कुछ महिलाएँ शर्मा रही थी, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स वो अपने जो भी उनका हॉबी है, जो एक्टिविटी है, जो स्किल्स हैं, उनको बाहर नहीं लेकर आ रहे। लेकिन अगली बार मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी कि हम एक बड़े लेवल का प्रोग्राम करें इसको, और वहाँ पर उस मंच पर आपको ज़रूर हम एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप अपनी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, पैशन है, आप उनको ज़रूर लेकर आएँ।